स्वागत है गाइस आप सभी लोग एक और न्यू वीडियो पर। जैसे कि तुम लोग को पता होगा पारस भाई पे अटैक हुआ था एंड अपने सुपर खालसा भाई एंड अपने जो अभी भाई है बस वही सपोर्ट कर रहे हैं। जितने बड़े बिजमा के एंड जितने बड़े क्रिएटर उनको तो पता भी नहीं होगा क्या मामला क्या सीन है, बस वो अपने वीडियो पे गेट वेल सून लिख दिया एंड जल्दी से ठीक हो जाओ बस ऐसा बोल दिया। उससे ज़्यादा कुछ ना भाई, यही दोनों यूट्यूबर है जो भाई सबसे ज़्यादा उनको सपोर्ट दे रहे हैं, हर चीज़ में सपोर्ट दे रहे हैं। एंड जैसे तुम लोग को पता होगा जो डाकू का इंटरव्यू आया वो इंटरव्यू मैं लगा दे रहा हूँ, क्लिप पर देख लेना पूरा। और अपने जो अभी भाई उसको एक्सपोज किए डाकू का हर एक टॉपिक पे जैसे वो बोला एंड तुम लोग वो क्लिप देख लेना एंड गाइस वीडियो को शेयर कर देना अपने हर एक दोस्त के साथ एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन पे प्रेस कर देना, लाइक कर देना, कमेंट में हैश। हर एक चीज के बाद वो ऐसा बोलता है कि ये मेरा शक है, कौन है क्या है मुझे नहीं पता। ओके, वो अपनी बात पे भी पलट जा रहा है बार बार। कोई इंसान इतना कॉन्फिडेंस होता तो वो अड़ा रहता, ऐसा नहीं बोलता शक है। Okay, भाई कॉन्फिडेंस कैसे होगा बंदे को यार, कैसे कॉन्फिडेंस होगा? जो मारने आए उनमें से वो किसी को जानता है? वो तेरे से कभी मिला है? कॉन्फिडेंस कैसे होगा? मुंह पे कपड़ा बांध के जाओगे, कैसे कोई कॉन्फिडेंस होगा? तो गजब बात कर रहा, मुंह पे कपड़ा बांधने के बाद बहन चो अपना बंदा अपना नहीं लगता है? दो लोगों को कॉन्फिडेंस होगा? अबे कॉन्फिडेंस कैसे होगा बंदे को यार, गजब कैसे मैं अपनी आइडेंटिटी या तो लोकेशन इतना नहीं आपको क्लियर करूंगा, लेकिन हाँ मैं गुजरात से हूँ। और वो ना ही कौन, वो पंजाब से, वो पारस ऑफिशियल। हाँ वो पता नहीं वीडियो आने के बाद उसने जो बोला है कि मैं यहाँ से वैसे हूँ, पंजाब पुलिस हेल्प करो गवर्नमेंट, उसने बोला है। मुझे इसके रिगार्डिंग कोई बात नहीं करनी। देखो उसके जो पॉइंट थे उसने रखे, उसके जो पॉइंट थे उन्होंने रखे कि डाकू विलन ने कॉल किया ये वगैरह किया, तो उसको चार दिन से कॉल आ रहा था तो उसने कोई कंप्लेंट नहीं की। तो उसने कंप्लेंट नहीं करी, वो उसकी गलती थी, उसने कंप्लेंट नहीं करी। तो तेरे को इस बात से दिक्कत है कि उसने कंप्लेंट नहीं करी? वाओ व्हाट अ सिंपैथी कार्ड ब्रो, वाओ यू आर जस्ट ऑसम ब्रो, क्या दिमाग है आपका, एक नंबर जबरदस्त दिमाग है आपका।